I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the whole closest starts to end up on the bridge. Hello friends, welcome back to the channel Travel Fun Repeat. आज हम अपने इस वीडियो में एक ऐसे आइलैंड को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो है तो इंडियन आइलैंड, लेकिन वहाँ के बीचेस फॉरेन बीचेस को भी कड़ी टक्कर देते हैं. एंड दैट आइलैंड इज नन अदर देन हैवलॉक आइलैंड. इसका वैसे नया नाम हो गया है, आपको पता ही होगा, स्वराज द्वीप. दिस वीडियो इज अबाउट द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन हैवलॉक, और साथ ही हम आपको बताएंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, लाइक व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट हैवलॉक एंड हाउ एक्सपेंसिव इज दिस आइलैंड एंड मेनी मोर क्वेश्चंस. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. Havelock Island is part of Andaman and Nicobar Islands. और अगर आपको complete guide to Andaman चाहिए तो video का link हमने description में दिया हुआ है और साथ ही आपको link यहाँ पे भी मिल जाएगा. Guys, Havelock Island के बारे में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारा channel first time देख रहे हैं उनसे request है कि अभी हमारा channel आप subscribe जरूर करें. Start with the beaches. Guys, do you know कि Havelock Island में ऐसा क्या है जो इसे बहुत special बनाता है? The answer is यहाँ का राधानगर बीच, जो one of the best beaches in Asia है. It is ranked at 7th place in Asia. और ये हम नहीं कह रहे, this is as per the very famous international magazine Times. India के लिए it's the best beach. यहाँ से sunset view is the most amazing thing to watch. तो अगर आप nature lover हैं और आपको व्हाइट सैंड बीच पे बैठकर शांति से सनसेट देखना पसंद है, देन यू मस्ट विजिट राधानगर बीच. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एलिफेंट बीच. गाइस, इफ यू आर अ वाटर स्पोर्ट्स लवर तो फिर ये बीच आपके लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है. आप कभी कभी फॉरेन बीचेस को देखकर ये सोचते होंगे कि आखिर यहाँ का पानी जो इतना साफ, इतना क्रिस्टल क्लियर है, ऐसा पानी इंडियन बीचेस पे क्यों नहीं होता? तो मैं आपको बता दूं कि एलिफेंट बीच का पानी बहुत ज्यादा क्लीन, क्रिस्टल क्लियर है, और इसीलिए यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूल पाएंगे. इस बीच पे काफी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक स्नॉर्कलिंग, सी वॉकिंग, पैरासेलिंग, जेट स्की राइड, ग्लास बॉटम बोट राइड एंड सो ऑन, बहुत सारे स्पोर्ट्स. वैसे इस बीच का सिर्फ नाम है एलिफेंट बीच, एलिफेंट्स नहीं है यहाँ पे. ये देखिए कितनी सारी फिशेस. यहाँ पानी साफ होने की वजह से काफी वैरायटी ऑफ फिशेस और मरीन लाइफ देखने को मिलती है. एक और बीच है इस आइलैंड पे जिसका नाम है काला पत्थर बीच. इस बीच को सनराइज व्यू पॉइंट भी कहते हैं, और यहाँ से सनराइज देखने का मजा ही कुछ और है. तो चाहे आपको सनराइज देखना पसंद हो या सनसेट या फिर वाटर स्पोर्ट्स, सब कुछ है इस अमेजिंग आइलैंड पे. गाइस, अगर आप स्कूबा डाइविंग से डरते हैं तो ये है ग्लास बोट राइड, जहां आप पानी में जाए बिना इस कांच के थ्रू पानी के अंदर मरीन लाइफ को देख सकते हैं. चलिए जानते हैं थिंग्स टू डू इन हैवलॉक. अरे भाई, बीचेस पे जा रहे हैं, थोड़ा जाइए, सनबाथ लीजिए, चिल करिए, रिलैक्स करिए बीचेस पे, थोड़ा विटामिन डी बढ़ाइए. उसके अलावा यू हैव टू डू वाटर स्पोर्ट्स and you have got to do photography, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी colorful and different species वाली marine life आपको देखने को मिलती है. आप trekking भी कर सकते हैं, and last but not the least, different restaurants में different cuisines आप जरूर try करिएगा. So सब जगह जाके थोड़ा थोड़ा खाना taste करिएगा, it's good. So guys, moving on to frequently asked questions. वैसे तो हमने इसमें काफी क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, बट अगर हमने कुछ मिस आउट कर दिया हो तो प्लीज आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए. तो यहाँ जाने से पहले बहुत लोग हमसे पूछते हैं, लाइक कि कितना टाइम सफिशियंट रहेगा हैवलॉक आइलैंड पूरा घूमने के लिए. सो गाइज, वी सजेस्ट लाइक 2 to 3 days काफी होंगे आपको पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए. अगला सवाल जो मन में बहुत आता है वो ये है कि बेस्ट टाइम क्या है हैवलॉक जाने के लिए, कि हम कब जाएं. वैसे तो आप हैवलॉक कभी भी जा सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, लेकिन
सितंबर टू मई का टाइम ऐसा है जो कि ड्राई है और आप वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज जितने हैं वहाँ के वाटर स्पोर्ट्स हर चीज आप ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बारिश थोड़ी कम होती है उस टाइम पे और जो वेदर है बहुत ही अच्छा होता है। गाइस क्योंकि हैवलॉक एक आइलैंड है इसलिए यहाँ पे बारिश बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, सो इट्स बेटर कि आप रेनी सीजन में यहाँ आना बिल्कुल अवॉइड करें। और लोग ये भी पूछते हैं कि क्या ये आइलैंड बहुत एक्सपेंसिव है, तो आंसर इज कि हाँ, एक्चुअली एक्सपेंसिव इन द सेंस कि हाँ पोर्ट ब्लेयर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पे इन्हें हर चीज़ अपने कैपिटल सिटी यानी कि पोर्ट ब्लेयर से यहाँ तक लेकर आनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, कुछ ऐसा इनका अपना नहीं है इस आइलैंड पे। जो भी मोस्टली लोग करते हैं ऑक्यूपेशन वो वहाँ पे मोस्टली खेती करते हैं या फिर मोस्टली पैसा वो कमाते हैं इसी टूरिज्म से, तो यहाँ पे इसलिए चीजें थोड़ा एक्सपेंसिव होती हैं, बट नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अगला क्वेश्चन इज हाउ टू रीच, क्योंकि यहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं है, कुछ भी डायरेक्ट ऐसे ट्रेन तो हो नहीं सकती बिकॉज इट्स एन आइलैंड, नो प्रॉब्लम, फेरीज है ना, आप पोर्ट ब्लेयर या फिर कोई और आइलैंड जहाँ पे आप गए हैं वहां से आप फेरी के थ्रू डायरेक्टली हैवलॉक आइलैंड पे आ सकते हैं। गाइस हमने इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेशन के बाद आपको दिखाया है कि फेरी टिकट्स कैसे बुक करनी है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। यहाँ आने से पहले बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स के मन में एक क्वेश्चन होता है कि क्या यहाँ पे हमें सिर्फ सी फूड खाने को मिलेगा, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जरूर सोचते होंगे कि वहाँ पे शायद खाने के अवेलेबल ऑप्शंस कम होंगे, तो आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हैवलॉक एक टूरिस्ट आइलैंड है तो यहाँ पे इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे ही क्विजींस खाने को मिलते हैं हमें। आप चाहें तो प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे, और अगर आपको पिज्ज़ा खाना है वो भी मिलता है, तो सभी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और हाँ ऑफकोर्स सी फूड की वेराइटीज़ हैं और बहुत अच्छा सी फूड मिलता है, बट ओनली थिंग इज कि सब कुछ मिलता है, सो डोंट वरी। गूगल पे जाकर बस टाइप करना है आपको बुक मक्रूज टिकट्स, फिर आपकी ये जब स्क्रीन ओपन होगी उसमें आप ये सेकंड लिंक जिस पे मक्रूज लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ओपन हो जाएगी मक्रूज की वेबसाइट। ये वेबसाइट थोड़ा स्लो है, उसमें आपको ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है बुक ऑनलाइन, इस पर जब आप हाईलाइट करेंगे ये पिंक हो जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन इट, फिर आपका बुकिंग पेज ओपन हो जाएगा। उससे पहले ही आपके सामने एक नोटिस आया है जिसमें पूरा शेड्यूल दिया हुआ है फेरी का, आप अपना नोट कर लें रेलेवेंट चीज़ें इसमें से और फिर बुकिंग डिटेल्स एंटर करिए। इसमें आपको फ्रॉम एंड टू प्लेस एंटर करना है, जैसे हम फॉर एग्जांपल एंटर कर रहे हैं फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक, जर्नी डेट कि इस दिन आपको जाना है, एंड लास्ट में नंबर ऑफ पैसेंजर्स। जैसे ही हम इसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स डालते हैं हमारे सामने एक बुकिंग इन्फॉर्मेशन ओपन होती है, इसमें आपके पास डिफरेंट स्लॉट्स में डिफरेंट सीट अवेलेबिलिटी एंड प्रीमियम डीलक्स एंड रॉयल तीन तरह के पैकेजेस हैं, आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट करके पैसेंजर डिटेल्स फिल करिए, जैसे हमने यहाँ पे डिटेल्स एंटर किया है जस्ट टू शो। फिर हम आगे बढ़ते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको ये रिमार्क्स का जो कॉलम दिख रहा है इसमें आप एंटर कर सकते हैं, अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट विंडो सीट, तो हो सकता है आपको विंडो सीट भी मिल जाए। बस फिर नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर करके जस्ट क्लिक ऑन सबमिट बटन एंड देन पेमेंट पेज आपका ओपन हो जाएगा, डू द पेमेंट एंड द टिकट्स आर डन। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, होप कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ मन में कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी डाउट कुछ भी हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो गाइस सी यू अगेन एट अनदर डेस्टिनेशन, टिल देन बाय बाय।